कार्ड हो जाता सीधा सीधे बैंक वाले पे इसको चालू करना है। हेलो, हाँ नमस्कार। दत्तोपन ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा आयोजित श्रद्धेय दत्तोपन ठेंगड़ी स्मृति शताब्दी व्याख्यान माला के दूसरे सोपान में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज जैसा कि पिछले कार्यक्रम में मैंने बताया था आप सभी को, ये एक साल जो अभी जो वर्ष चल रहा है ठेंगड़ी जी का शताब्दी वर्ष, उसमें हम लोग हर महीने एक उनके स्मृति में व्याख्यान करेंगे। उसकी दूसरी कड़ी में हमारे बीच प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और लेखक पद्मश्री के मोहम्मद साहब, हमारे आग्रह पर हम उनका हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। और मैं सीधे समय ना लेते हुए मैं अपने आज के मुख्य वक्ता के मोहम्मद साहब और हमारे संस्था के सचिव श्री दीपक शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम। शुभम प्रति कल्याण आरोग्य ये जो कार्यक्रम है ये लगभग 5:30 बजे समाप्त होगा। इसके बाद एक जो आजकल नया एक प्रासंगिक मुद्दा है NRC का और CA का, उसके ऊपर एक मानस भवन में कार्यक्रम है। समाज के प्रबुद्धजनों की उपस्थिति वहाँ पर रहेगी, आप सब भी वहाँ पर अपेक्षित हैं। इस सूचना के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और हमारे बीच जो आज के वक्ता हैं, राष्ट्रीय अस्मिता में पुरातत्व की भूमिका, इस विषय पर अपना उद्बोधन देंगे। मैं आपका परिचय करा दूं, आपका जन्म 1952 में केरला के कालीकट में हुआ। आप लंबे समय तक आपने भारतीय पुरातत्व संरक्षण में सेवाएं दी हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आपने अपने बहुत सारे मंदिरों के उद्धार के लिए आप जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में खासकर बटेश्वर के मंदिर, मुरैना की तरफ डकैतों के साथ संघर्ष करते हुए बहुत सारे मंदिरों को आपने कंजर्व किया है। आपका योगदान अतुलनीय है। ऐसे छत्तीसगढ़ के दूरों क्षेत्रों में भी आपने बहुत काम किया है, दिल्ली में काम किया। और एक समय ऐसा आया, हम सब अभी कुछ दिन पहले नवंबर में अयोध्या के विषय में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तब आपने देखा होगा कि भास्कर जैसे अखबार के 18 एडिशन के फ्रंट पेज पर आपका बयान छपा। लेकिन वो बयान तो उस दिन था, लेकिन उसके पहले 1990 के दशक में अगर पूरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हिम्मत के साथ कोई कहने वाला व्यक्ति था कि वहां पर मस्जिद के नीचे मंदिर ही मंदिर है और हिंदुओं का अवशेष है, तो उसका नाम केंद्रीय मंदिर। और आपकी सेवाओं, आपकी संघर्ष, आपकी हिम्मत के लिए बहुत सी बातें हैं। जब आप बैठेंगे आपके साथ तो बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड मिले, आपने जो काम किया, आप नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, पब्लिक अवार्ड्स बहुत सारे हैं जिनका यहाँ पर गिनती करना बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपको विभूषण मिला है वो पद्मश्री से 2019 में भारत सरकार ने आपको नवाजा है। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और मैं आपके स्वागत के लिए हमारे दत्तोपन ठेंगड़ी शोध संस्थान के उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आप के मोहम्मद साहब का स्वागत करेंगे स्मृति चिन्ह और कुछ पुस्तकें भेंट करके। कृपया स्वागत करें। आप
बहुत धन्यवाद। ये जो 12 व्याख्यान होने हैं उनके विषयों की जब विषयों का जब चयन कर रहा था तो अचानक मुझे ध्यान आया कि पुरातत्व विज्ञान का जो महत्व है राष्ट्रीय अस्मिता में, नेशनल आइडेंटिटी में, वो कितना अहम है। इस एक अभी जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उससे हम सबको ध्यान में आया। वैसे पुरातत्व तो कितना इग्नोर्ड है सरकारों द्वारा, समाज द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशंस द्वारा, ये सब हम सब अवगत हैं। लेकिन जब कोई विषय आता है, जब कोई विवाद आता है और जब अस्मिता की बात आती है तो वो पुरातत्व विज्ञान किस तरह से आपके साथ खड़ा हो जाता है, कितना बड़ा साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, उसकी कितनी भूमिका हो सकती है, एक ऐसा विषय हमारे ध्यान में आया। और इसी विषय को रेखांकित करने के लिए हमने मोहम्मद साहब से निवेदन किया और वो सहर्ष स्वीकार करते हुए इतनी दूर से हमारे बीच पधारे। मैं उनको बुलाने से पहले संस्था के सचिव श्री दीपक शर्मा से निवेदन करूंगा कि इस अवसर से संबंधित कुछ प्रारंभिक वक्तव्य रखने के लिए कृपया आए। आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य वक्ता पद्मश्री डॉक्टर के मोहम्मद जी, इस सभागृह में उपस्थित हमारे अखिल भारतीय अधिकारी माननीय हस्तिमन जी, प्रांत संघ चालक सतीश जी पिपलीकर जी, इस शोध संस्थान के अध्यक्ष अशोक पांडे जी एवं सभी उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, ठेंगड़ी जी का हम सब शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और ये जो शताब्दी वर्ष मना रहे हैं उसमें 12 महीने तक हमको कुछ कुछ व्याख्यान करना है। कुछ ईश्वर की कृपा है कि कुछ विषय अचानक से आते हैं और उसमें ऐसे मूर्धन्य विद्वान उन विषयों को रखने के लिए हमको उपलब्ध होते हैं। पुरातत्व का विषय ढेंगड़ी जी से कैसे जुड़ सकता है ये मंथन हुआ तो पता चला कि एक शिक्षा वर्ग में माननीय ढेंगड़ी जी से एक शिक्षार्थी ने, विद्यार्थी ने पूछा कि हम सब मूर्तियों की पूजा करते हैं पर हमारे देश में बहुत सारी मूर्तियां का भंजन दिखता है। प्रश्न गंभीर था। उस विद्यार्थी ने कहा कि मैं बहुत सारे मंदिर जाता हूं परंतु संग्रहालय जाने की इच्छा नहीं होती, उनमें टूटे फूटे भग्नावशेष दिखते हैं, ईश्वर के स्वरूप हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का सिर कटा हुआ है, किसी का वक्ष हटा हुआ है। ये प्रश्न था, पर वो प्रश्न उस व्यक्ति की, उस विद्यार्थी की जिज्ञासा का था। और इसका उत्तर जब ठेंगड़ी जी देते हैं तब वो कहते हैं कि अपनी संस्कृति में हम पेड़ पौधों से भी बात करते हैं, पत्थर से भी बात करते हैं और पत्थर के शिल्प से हम ईश्वर का आकार देते हैं। तो जो समाज सबसे बात करता है वो तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ते हैं वह बात नहीं करते हैं। ये मौलिक अंतर था। तब समझ में आया कि ये जो पुरा है ये संस्कृत का शब्द है और आर्कियोलॉजी है ये यूनानी शब्द है। तो पुरा जो है ये दुनिया में, भारत में जितना पुरा संपदा है दुनिया में और कहीं उतनी पुरा संपदा नहीं है। हम सारे व्याख्यान सुनते हैं और हम सब ये सुनते आते हैं कि हमारा पास्ट, हमारा इतिहास इतना समृद्ध था और जो समृद्धि दिखती है वो आगे के लिए भी हमको गौरवान्वित करती है कि हमको वैसा पुनः प्राप्त करना है या उससे अच्छा प्राप्त करना है। पर वो पुराना अच्छा था, यदि उसको नई पीढ़ी को बताना है तो उसमें फिर हमको कुछ ना कुछ, केवल सिर्फ स्टोरी टेलिंग से नहीं होगा, हमारी उस पुरा संपदा का वास्तविक रूप दो तरीके से दिखता है। एक श्रुति की परंपरा है, एक परंपरा कुछ वेद है, उपनिषद है, इन सब से मिलता है जो लिखित में है, कुछ लोक में पड़ा हुआ है बहुत सारा, वो दिखता है पर वो उन्हीं को दिखता है जो उनसे बात करते हैं, उन्हीं को दिखता है जो उनसे देखते हैं। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के एक सूचना आयुक्त महोदय भी उपस्थित हैं, उन्होंने भारत की परिक्रमा की है और वो आजकल कुछ कुछ लिखते हैं और वो लिखते हैं, किसी खंडर पर जाते हैं और बहुत सारी चीजें उसके बारे में बात करते हैं तो कहते हैं वो मेरे से बात कर रहा है, चाहे वो मांडू जाते हो, चाहे वो विदिशा जाते हो, बीजा मंडल जाते हो या भोजपुर की कहीं भी जाते हो। तो ये जो बातचीत जो करता है वो पुरा तत्व का वेत्ता है, वो जानता है वो धरती के ऊपर धरती के नीचे कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, वो सब उनसे बातचीत करता है। आज ऐसे ही एक विद्वान हमको मिले हैं
जो इस सब विषय में रखेंगे। आप सबको ज्ञात ही मुकेश जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी निर्णय इस राम मंदिर के बारे में लिया उनकी ख्याति जरूर अभी समाज को पता चल रही उस विषय को लेकर, परंतु निश्चित रूप से थोड़ी देर पहले माननीय अशोक जी ने उनके लिए कहा था कि अभी हो सकता है कि मंदिर का शिलान्यास कोई भी करे पर उसका वैधानिक शिलान्यास के मोहम्मद साहब ने कर। सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से माना है। एक, वो जो ट्रेवलर से जो आए और उस दौरान उन्होंने देखा करा उनको रेफरेंस के रूप में उन्होंने माना जितने यात्रा में थे। दूसरा, ये जो आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट थी जो कि एक पूरा का पूरा एविडेंस के रूप में दस्तावेज के रूप में हम सबके सामने आई। मुझे लगता है कि हम जो विचार की श्रृंखला इस प्रकार से कर रहे हैं हमको ऐसे ही अतिथि मिलते जाएं, ऐसे ही हम व्याख्यान करते जाएं। आज निश्चित रूप से क्षमा प्रार्थी हूं कि विषय और वक्ता दोनों के हिसाब से सभागृह थोड़ा छोटा है। प्यारे भाइयों और बहनों, खासतौर मज्जा सिंह, दीपक शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी, हस्तिनाल जी, पिंगलीकर जी, अशोक पांडे जी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से डॉक्टर व्यास साहब, डॉक्टर एसएस गुप्ता जी, हमारे प्रसाद जन्म महंत है भोजपुर के, हमारे बहुत सहयोगी हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, आप सबको नमस्कार। हम सब ने मिलके दीप प्रज्वलन किया, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पाप, दीप ज्योति नमोस्तुते। प्यारे भाइयों, मैं पहली बार आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं दक्षिण भारत के रहने वाला हूँ, केरला के रहने वाला हूँ, हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, लेकिन जो भी बात करूँगा आपसे वो हिंदी में ही बात करूँगा, लेकिन आप व्यवहारिक हिंदी में होगा और जो ना वो बातचीत के हिंदी में होगा, जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है आई एम श्योर यू विल फॉरगिव मी। और मुझे मैं आई एम रियली थैंकफुल टू द होल ग्रुप ऑफ टेंडी दिस वन आई मीन भवन फॉर इनवाइटिंग मी फॉर डिलीवरिंग ए लेक्चर इन हिज ऑनर एंड ही वॉज अ ग्रेट विजनरी, A man of action, जो किसान सभा उसका फाउंडर है, मजदूर सभा का फाउंडर है, और हमें ऐसी विशनरीज और पीपल ऑफ एग्जीक्यूशन चाहिए तभी जो ना दुनिया स्पेशली भारत जो ना आगे बढ़ पाएंगे। मुझे ऑलमोस्ट आई हैड 4 years आई मीन टू वर्क हियर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के काफ़ी जगह पे हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया, डॉक्टर व्यास साहब थे, डॉक्टर एस एस गुप्ता थे, मिस्टर वर्मा जी थे, एस एन श्रीवास्तव थे, हमारे साथ एक काफ़ी ग्रुप था, तो सारी जगह पे हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन भी किया, बहुत सारी जगह पे कंजर्वेशन भी किया, एंड दोस कंजर्वेशन आर ए माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी। बहुत सारे लोगों ने उसके बाद जो ना फिर उसके उसी तरीके से काम करने के लिए कोशिश किया, लेकिन जो ना वो मामला कहीं बिगड़ गया। मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, हमारा जो भोजपुर का मंदिर है, भोजपुर का मंदिर में का हालत बहुत ही खस्ता हालत था, और अक्सर जो ना कभी हमारे महंत जी से और हमारे जो आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर थे उनसे लड़ाई हुआ करता था। वो कहते थे कि आपने हमारा एरिया इंक्रोच किया, ये कहते थे नहीं आपने हमारा एरिया इंक्रोच किया, कभी कुछ और 300 मीटर का एक बहुत पुराना चक्कर चला था, इन सब चीज़ों में लड़ाई हुआ करता था। तो हम लोगों ने सोचा ये लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें मिलकर बैठना है और मसले को हल करना चाहिए। हम तीनों ने बैठा, हमारे सर श्रीवास्तव जी थे, हमारे महंत जी थे, मैं था, हम लोगों ने मिलकर बैठने के बाद हम लोगों ने कहा हम किस तरह ये मसले को हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें मसले बनाने में नहीं हल करने में दिलचस्पी होना चाहिए। और हम लोगों ने, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास पैसे का बहुत कमी था, ना कि बराबर था, लेकिन हम लोगों ने सब मिलके बैठने की वजह से जो
2006 में जो भोजपुर मंदिर था वो एक डेढ़ साल के अंदर जो ना हम लोगों ने उसका कायाकल्प किया। जो आज आप भोजपुर मंदिर देख रहे वो नहीं है 2006 में, वो तो सिर्फ हम लोगों को बैठ के मिल के बातचीत करके हल निकालने से हुआ, क्योंकि महंत जी ने उसके लिए हमारे गार्डन बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनाना था, पैसा नहीं था। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आपने उसके लिए जो भी मिट्टी था मिट्टी चाहिए था वो पूरा मिट्टी आपने फ्री में दिया। तो इसी तरीके से बहुत चीज़ें हम लोग मिल के करने में मसला हल हो जाएंगे। एक दूसरा इश्यू था हमारा बटेश्वर का मंदिर। बटेश्वर आपको पता है ये बिल्कुल एकदम चंबल घाटी में, चंबल घाटी में वहाँ फुंकार टकोइट से जिस जमाने में हम लोगों ने और गुप्ता जी ने काम किया था उस टाइम में निर्भय सिंह गुज्जर करके बहुत बड़ा डाकू था, नामी ग्रामीण डाकू था। जब तक उनका परमिशन नहीं मिलेगी तब तक आप वहाँ काम ही नहीं कर सकते, हालत वही था। लेकिन एक बार मैंने कई इंटरमीडियरी के थ्रू उनसे बातचीत किया, वो काम करने के लिए हमें परमिट किया और उसके बाद हम लोगों ने काम शुरू किया। जो एक जलजले में बहुत सारे जो है मोर देन 200 मंदिर एक जगह पे हिंदुस्तान में कहीं और नहीं है, वो बटेश्वर में है। और जलजले में बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया था, इट वॉज नॉट बाई एन अटैक, क्योंकि अक्सर जो ना हमारे जितने भी मंदिर थे वो अटैक की वजह से, फॉरन अटैक की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था। तो उसके बाद जो ना फिर उनसे बातचीत किया, उन्होंने परमिशन दिया, जिसकी वजह से 200 मंदिर ने 80 मंदिर हम लोगों ने खड़ा कर दिया। शायद हिंदुस्तान में इतने बड़े कंजर्वेशन का काम अभी तक हुआ नहीं, 80 मंदिर खड़ा कर दिया। और वो भी किन से बात करके, डकॉइट से बात करके, चंबल घाटी के डकॉइट से बात करके। अगर आपने कभी देखा नहीं है ये जगह तो एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। और वहाँ का पुराने हालत क्या थे उसके जनों तरफ फोटोग्राफ जरूर वहाँ लोगों के पास है वो देख लीजिए, और उसके बाद ये देख लीजिएगा। अच्छा, डकॉइट्स को पता था, नरवर सिंह गुज्जर को पता था कि वो मारे जाएंगे। एक दिन वो भी हुआ तो वो मारे गए, तो हम लोग उनसे कहते थे कि उसके पहले ही जो ना एक मंदिर था उस मंदिर का काम पूरा करना है करके। और वो उनके मंदिर मरने के बाद हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जब तक वो जिंदा थे तब तक किसी को ये हिम्मत नहीं था कि वहाँ के आके एक भी पत्थर निकालें, किसी को भी हिम्मत नहीं था, क्योंकि वो किडनैप कर लेते थे फिर वो जो कुछ करना है वो कर लेते थे, इसलिए वो बच गया। दैट वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन जब वो मारा गया तो 5-6 महीने तक लोग समझ रहे थे कि ये वो नहीं, ये कोई और किसी को मारा है पुलिस ने करके। लेकिन जब ये पता चला कि नहीं वो ये वही है जो मारा गया, फिर जो माइनिंग लॉबी सारा पाकिस्तान, वो माइनिंग लॉबी वहाँ आके माइनिंग करना शुरू किया। हम लोगों ने फॉरेस्ट ऑफिसर को लिखा, डीएम को लिखा, एसपी को लिखा, बहुत सारे लोगों को लिखा, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद एक मिनिस्टर थे, मैं वो मिनिस्टर से जाके 2 बार मिला, मैंने उनसे कहा, उनको एक लेटर भी लिखा, तो उनसे कहा मोहम्मद जी आपका वो लेटर मुझे नहीं मिला। मैंने फिर एक लेटर लिखा, फिर गया उनके पास, सर कुछ कीजिए। फिर उन्होंने वही कहा कि मोहम्मद जी आपका वो लेटर नहीं मुझे नहीं मिला। तो मैं समझ गया तो ये भी उसमें शामिल है। तो फिर मुझे एक ऐसा काम करना पड़ा जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, अगर करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। उस जमाने में आरएसएस के जो चीफ थे, जो सरसंचालक थे, वो सुदर्शन जी थे। तो सुदर्शन जी को मैंने एक चिट्ठी लिखा, 2005-2006 की बात कर रहा हूँ। मैंने एक चिट्ठी लिखा, उसमें ये कहा एक ज़माने में मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी तो हम लोगों का मंदिर तोड़ा करता था, लेकिन आज बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन ने, बीजेपी की शासन ने यहाँ एमपी में
अब उसी पीरियड में इसी तरीके के मंदिर इस तरीके की काम चल रहे हैं, क्योंकि मैंने जो ठीक ठाक जो किया था वो मंदिर ये रैम्पेंट माइनिंग की वजह से जो वो टूट रहा था, वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो लेकिन सुदर्शन जी की बड़ी बात ये बड़ापन ये है कि ही टुक इमीडिएट एक्शन विद इन 24 आवर्स, ही टुक एक्शन, पुलिस वॉज रश टू द एरिया और वो लोग भी द अदर ग्रुप दे वर आल्सो फुल्ली आर्म्ड, दोनों में देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन बोथ द टू, द पुलिस के भी और इनके भी जो माइनिंग वाले लॉबी के बाद पास भी फुल्ली आर्म्ड था। बाद में आई मीन पुलिस वॉज एबल टू सप्रेस। तो ये जो मेरा लेजब डॉक्टर चले गया और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी चीफ मिनिस्टर थे, अंबिका सोनी जो हमारा जो कल्चरल मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर, शी रोट ए लेटर टू शिवराज सिंह चौहान जी को लिखा और उनसे कहा दिस लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर यू, सो यू हैव टू गिव फुल हेल्प एंड सपोर्ट टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने ही गेव ऑल द हेल्प एंड सपोर्ट, लेकिन आखिर में उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया, जिस तरह की एक्शन इस ऑफिसर के ऊपर लेना चाहिए वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ करके, जिस तरह बिकॉज यू नो आई हैव डन समथिंग अगेंस्ट द वो बिल्कुल सही है, समथिंग अगेंस्ट द वो, क्योंकि आई शुड नॉट हैव आई मीन कॉन्टेक्टेड ए पर्सन हु इज आउटसाइड द लिमिट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेटिव आउटसाइड में, लेकिन मुझे बताते कि मैं किसी से भी कॉन्टैक्ट करूँ ये काम रुकने वाला नहीं है अनलेस एंड अंटिल गो टू द राइट पर्सन। तो इसीलिए मैंने राइट पर्सन को लेटर लिखा। तो मैं सोच रहा था कि शायद कुछ एक्शन होगा, लेकिन यहाँ का पूरा मीडिया खासतौर NDTV और उसी तरीके से मनोज शर्मा, मुझे पता नहीं मनोज शर्मा जी यहाँ है या नहीं, मनोज शर्मा जी IBM 7 में थे उस टाइम में, तो बहुत सारे जो यहाँ का मीडिया दैनिक भास्कर में उसी तरीके से काफ़ी जितने भी मीडिया थे उन सारे लोगों ने बरक के भरपूर जो ना सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मेरी नौकरी बच गया, वरना इट वॉज सस्पेंशन बिल्कुल। इट वॉज ए चीफ मिनिस्टर राइटिंग ए लेटर टू ए कैबिनेट मिनिस्टर। तो खैर मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगना था, पूछा, मैंने कहा कि क्योंकि ये मामला ये था कि मुझे ये भी पता कि मैंने सारे लोगों को लेटर लिखा था लेकिन उसके बाद ही काम बंद नहीं हुआ, लेकिन अगर काम रुकवा रहे हैं दिस वॉज द ओनली वन वे, इसलिए मैंने आई हैव रिजॉर्टेड टू दैट मेथड, अगर कोई एक्शन लेना है मेरे ऊपर लेना है आई एम ऑलवेज ओपन फॉर दैट, आई मीन यू मे टेक वट एवर एक्शन यू वॉन्ट। तो जब ये लेटर उनके पास अंबिका सोनी जी के पास पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि देयर वर सम प्रेस पीपल ऑल्सो, तो उन लोगों ने भी कहा एक ऑफिसर ही हैज टेकन ए राइट डिसीजन, तो इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो उन्होंने फुल्ली सपोर्ट किया और ना मुझे आई मीन डिसमिस किया ना सस्पेंड किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद जो ना कॉमनवेल्थ के लिए, कॉमनवेल्थ में दिल्ली में कॉमनवेल्थ होने वाला था 2010 में, बहुत सारे प्रोग्राम था, वो सारे प्रोग्राम के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि आई वांट ए रियली एन एफिशिएंट ऑफिसर, तो उन्होंने मुझे उसकी वहीं के लिए चुना और फिर मुझे यहाँ से जाना पड़ा। तो इसी तरीके से बहुत सारे काम हम लोग जो ना आपस में मिल के समझ के करेंगे तो बहुत चीज़ें कर सकता है। लेकिन आज मुझे लगता है आजकल की हालात में अगर मैं भी यहाँ उस टाइम में हर ऑफिसर को, हर ASI ऑफिसर को एक 25 लाख का पावर था, वो 25 लाख की पावर से 25 25 25 करके हम लोग जो ना काम कर देते निपटा देते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में मुझे लगता नहीं ये इस पैसे से, एक तो खैर तो पावर तो पूरे के पूरा गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया, जो आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर है उनके पास बहुत ही कम पावर है, उससे वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आज भी मैं भी यहाँ होता आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू एनीथिंग। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कंडीशन बहुत ही ख़राब है, इसको ऊपर उठाने के लिए हम सब लोगों को कोशिश करना चाहिए, वरना ये ऑर्गेनाइजेशन, दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन दैट विल डाई ऑन इट्स ओन, तो इसी के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सिर्फ कंजर्वेशन का काम नहीं, कंजर्वेशन के साथ जो ना उसी तरीके से एक्सकवेशन भी एक बहुत बड़ा काम है। एक्सकवेशन से बहुत सारी चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोगों को एक 97 ईयर्स के पहले
हम लोगों को ये पता नहीं था कि हमारा सभ्यता जो 6th century BC से पीछे नहीं जा रही, 6th century BC तक हमारा सभ्यता है, उसके पीछे क्या है, जा तो रहा है लेकिन क्या था ये हम लोगों को पता नहीं था। लेकिन 1924 में पहले बार जो ना कुछ जगह पर एक्सकवेशन हुआ, एक्सकवेशन के बाद जो ना हड़प्पा मोहनजोदड़ो में एक्सकवेशन हुआ, उसमें से कुछ चीज़ें मिली, वो चीज़ों को जो ना फिर जो ना बाकी जगह पर जो एक्सकवेशन हुआ था इंडिया के बाहर, उससे जब कंपेयर जो करके देखा तो उनको पता चला नहीं ये 6th century BC नहीं, ये 2500 BC तक जा रहे हैं और वो है हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसी तरीके से हम लोगों को पता ये नहीं था कि बुद्धा इंडिया का है। कुछ लोगों ने कहा बुद्धा इज एन अफ्रीकन, क्योंकि बुद्धा का जितने भी जो मूर्तियां मिल रहे थे उनमें उनके जो बाल है वो घुंघरालू वाला बाल है, तो कुछ लोगों ने कहा ये अफ्रीकन है, कुछ लोगों ने कहा नहीं ही इज एन इजिप्शियन, कुछ लोगों ने कहा नहीं ही इज ए श्रीलंकन, कुछ लोगों ने कहा ये ही इज ए बर्मीज। लेकिन बाद में जो ह्यूएनसांग फाहियान जो आए उनकी जो किताबें हैं वो इसमें ट्रांसलेशन हुआ, इंग्लिश पहले फ्रेंच में ट्रांसलेशन हुआ उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, तब पता चला नहीं उसमें जो भी डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे राजगीर है, जैसे कुशीनगर है जो महात्मा बुद्धा से जो संबंधित है, तो उसी तरीके से सारनाथ है, उसी तरीके से बोधगया है, ये सब इंडिया की जगह है, इंडिया के बारे में उन्होंने कहा, सो ही वॉज ऑल्सो इंडियन। ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऑलमोस्ट 1857-1858 के बाद ही पता चला। तो आर्कियोलॉजी ये है कि जना बहुत पुरानी चीज़ है जो हमें पता नहीं था, उसके बारे में हमसे फिर दोबारा आपसे बताएंगे क्या है कैसा है ये सारी चीज़ें। तो उसमें से एक एक्सकवेशन था अयोध्या का एक्सकवेशन, हम सबको पता है अयोध्या के बारे में, राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में सबको पता है। तो मैं भी उसमें इस टीम में एक मेंबर था, जो टीम जो था प्रोफेसर बीबी लाल साहब की थी, बीबी लाल साहब जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रह चुके, बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। तो मैं स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी हम लोग कहते थे उस जमाने में, उसमें एक स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट का मतलब है एमए करने के बाद जो मैं रिसर्च कर रहा था उसी पीरियड में फिर रिसर्च छोड़ के मैं इसमें ज्वाइन किया, स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी में ज्वाइन किया। तो हम लोग जो ना वहाँ अयोध्या गए, फर्स्ट एक्सकवेशन वॉज अयोध्या। तो वहाँ जाके देखा तो एक्सकवेशन में दो प्रोसेस है, नंबर वन एक्सकवेशन करने के पहले हम लोग एक्सप्लोर कर लेते पूरी जगह पर, आसपास के जितने भी एरिया है, कभी 2 किलोमीटर कभी 3 किलोमीटर कभी 4 किलोमीटर वो पूरा एरिया का एक्सप्लोर कर लेते। एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है बाहर क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखते। तो उसी तरीके से सारी चीज़ें हम लोगों ने छानबीन किया, फिर जो मस्जिद था जो बाबरी मस्जिद कहते थे वही आया, तो ताला लगा हुआ था और पुलिस भी लगा हुआ था। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग जो ना आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के जो रिसर्च वाला टीम है, तो उन्होंने वो खोल दिया और हम लोग अंदर चले गए, जाके देखा तो मंदिर के जो पिलर्स थे, जो वो पिलर वो मस्जिद के जो पिलर्स थे वो सब मंदिर का पिलर्स थे, मंदिर का पिलर्स थे। तो ये कैसे पूछेंगे, ये कैसे आपको समझ में आएगा कि ये मंदिर का पिलर है ये मस्जिद का पिलर है, पिलर तो पिलर है। तो आर्कियोलॉजी में जैसे गुप्ता जी है या व्यास साहब है, वो कोई भी एक पिलर ये पुरानी चीज़ें देखेंगे वो ये बता पाएंगे ये मंदिर का है मस्जिद का है या ये कितने साल पुराना है, उसके लिए C14 डेटिंग का ज़रूरत नहीं, उसके लिए OSL डेटिंग की ज़रूरत नहीं, उसके लिए थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग की ज़रूरत नहीं, बगैर ये डेटिंग हम लोग बता पाएंगे ये इतना साल पुराना ये इतना साल पुराना ये इतना साल पुराना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आती है। तो उसमें जाके देखें मंदिर का पिलर है, तो मंदिर का पिलर कैसे कहेंगे, मंदिर अगर है मंदिर में जो 11th and 12th century AD में जो भी मंदिर था उसमें पूर्ण कलश,
वॉट इज पूर्ण कलश, वो एक गड़ा जैसे होगा, उससे फोलियजेस वुड बी कमिंग आउट, गड़े से फोलियजेस वुड बी कमिंग आउट। इसको भद्र कलशा भी कहते हैं, इसको मंगल कलशा भी कहते हैं, इसी तरीके कई नाम से ये जाना जाता है। तो ये पूरा जब देखा, ये पूरा उसी से बनाया हुआ है। तो अगर किसी को विश्वास नहीं है, आज भी जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के बगल में एक कुव्वतुल इस्लाम करके है, वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ आपको जो ना इसी तरीके का जो मंदिर का पिल्लर रीयूज किया है मस्जिद में, कौन सी मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम करके जो मस्जिद है, तो वहाँ जाएंगे तो आपको सिर्फ मंगला कलशा नहीं है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा बहुत सारे जो प्रतिमाएं हैं वो टूटे हुए आपको आज भी मिलेंगे। आप सोचेंगे दस, दस नहीं, बीस नहीं, बहुत सारे। अच्छा, उसमें उसमें शिव भी है, उसमें विष्णु भी है, उसमें जो ना और भी मूर्तियां बहुत हैं, और उसमें भारवाहक भी है। अगर कोई चीज़ मस्जिद होता तो मस्जिद में इस तरह की टूटे हुए मूर्तियों को या किसी भी तरीके के मूर्तियों को नहीं रखते हैं। तो खैर, तो ये ऑब्वियसली था। अच्छा, वहाँ एक इंस्क्रिप्शन भी है जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, इसको मंदिर को तोड़ा गया था और उसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसके लिए जो इंस्क्रिप्शन है, उसके बाद जो है मैं ये सारी चीज़ें जो है एविडेंसेस वहाँ, उसी तरीके के एविडेंसेस यहाँ पर भी मिला है। तो कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ 11th एंड 12th सेंचुरी में जब मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, बख्तियार की जी ये सब आए थे, बहुत सारे गलतियाँ हुआ है। लेकिन हमें ये भी, ये मुसलमानों को एडमिट करना चाहिए कि गलतियाँ हो गया है, लेकिन उसके लिए आज की मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, ये भी हम लोगों को मानना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये भी कहूँगा, आज की मुसलमान तब जिम्मेदार हो जाते हैं जब उन्होंने उसको जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करेंगे। जस्टिफाई करने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे, इसका मतलब है आप भी उस सिन में, उस पाप में आप भी शामिल हैं। नहीं, अगर आप कहेंगे नहीं ये गलती है, ये हो चुका है, ये गलत हो चुका है, हम सारी चीज़ों को, सारी गलतियों को हम जो ना दोबारा सही नहीं कर सकते, वो भी मैं मानता हूँ, सारी चीज़ों को हम जो ना सही नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोगों को करना चाहिए था। उसमें से एक है जो राम मंदिर। तो उसमें फिर जब हम लोगों ने पूरी चीज़ें देखा तो वो दैट वाज वन एविडेंस। लेकिन ये इसके वर्षन हुआ था 1976-77 में, उस टाइम में ये बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं था, बहुत कोई मुद्दा नहीं था, थे लोग कहते थे, चुटपुट लोग कहते थे, लेकिन बहुत बड़ा एक मुद्दा नहीं था। तो उसी टाइम में तो लाल साहब ने जो एक्सकवेशन करके, तो एक तो हम लोग को वो मिल गया, दूसरा जब एक्सकवेशन जब किया तो ये पिल्लर को खड़े रखने के लिए नीचे का जो एरिया है, पिल्लर का एकदम नीचे का जो एरिया है उसको मजबूत करना था, उसके लिए ब्रिक प्लेटफॉर्म बना दिया था। वो ब्रिक प्लेटफॉर्म भी एक्सकवेशन में लेकर आया, बिल्कुल एकदम इसी अलाइनमेंट में पूरे का पूरा ब्रिक प्लेटफॉर्म भी निकल आया। उसके बाद बहुत सारे प्रतिमाएं, जो हिंदू देवी देवताओं का प्रतिमाएं, जिसको हम लोग कहते हैं टेराकोटास कहते हैं, मिट्टी के बनाए हुए, वो भी उसमें से एक्सकवेशन में मिला। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुस्लिम वर्शिप प्लेस है, फॉर एग्जाम्पल इससे अगर मॉस्क है, तो उसमें आपको कहीं पर भी कभी भी आपको इस तरह की प्रतिमाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस के हिसाब से वो बिल्कुल हराम है, बिल्कुल अलाउ ही नहीं करेंगे। तो उस टाइम में एक्सकवेशन हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें थी, तो उसी वजह से प्रोफेसर लाल साहब ने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, उन्होंने उसको पूरा मेंशन किया लेकिन बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। तो कुछ कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने ये सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, लाल साहब ने इसको हाईलाइट नहीं किया, उनका कनेक्शन प्रेस से बहुत ही अच्छा है, इन लोगों का जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियन है,
वो बिल्कुल अखबार में अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में बाकी सारे जितने भी उनके अखबार थे उन सारे अखबारों में ये निकलवाना शुरू किया कि प्रोफेसर लाल ने वहाँ एक्सकेवेशन किया, एक्सकेवेशन में उनको कोई भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, इसलिए मुसलमानों को ये मंदिर का एरिया देने की ज़रूरत नहीं है करके उन लोगों ने पहले अटैक शुरू कर दिया। तो प्रोफेसर लाल साहब को अपने को डिफेंड करना था, उन्होंने ये बात ज़रूर है कि उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। एक्सकेवेशन किन के पीरियड में हुआ? श्रीमती गांधी जी उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थी, प्रोफेसर नूरुल हसन साहब उस ज़माने में एजुकेशन मिनिस्टर थे क्योंकि कल्चर उस ज़माने में एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर में थे, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, वो दैट वॉज ए डिफरेंट पीरियड। तब उसी टाइम में मैं आई वॉज ए डिप्टी सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट मद्रास में था, तो मैंने क्योंकि अगेन मद्रास में था तो ये मसला आया, तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो ना इसके बारे में बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकेवेशन। तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में 15th of December 1990 में एक अपनी तरफ से एक छोटा सा एक लेटर भेजा, लेटर टू द एडिटर, उसमें उन्होंने मैंने उसमें लिखा कि ये जो लोग कम्युनिस्ट हिस्टोरियन स्पेशली JNU के जो हिस्टोरियन अलीगढ़ के जो हिस्टोरियन जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकेवेशन। मैंने वो पिलर भी देखा हूँ और उसी तरीके से उसके जनब जो पूर्ण कलश है वो भी देखा हूँ, उसके बाद जो पिलर के बेसिस जितने भी एक्सकेवेशन किया है वो भी देखा हूँ और जो भी प्रतिमाएँ हैं वो भी देखा हूँ करके आई गेव ए स्मॉल लेटर एंड देन ऑल्सो आई सेड दैट दिस इज एज इम्पॉर्टेंट फॉर हिंदूज एज मक्का एंड मदीना फॉर मुस्लिम, सो मुस्लिम शुड हैव वॉलंटरली हैंडेड ओवर इट। अच्छा, मुसलमानों के लिए ये प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एसोसिएशन कोई कनेक्शन नहीं, अगर प्रोफेट मोहम्मद से ये कोई कनेक्शन हुआ होता आई टू वुड हैव स्टूड विद देम, मैं भी उन्हीं के सब में खड़े होता। इस्लाम में प्रोफेट मोहम्मद के बाद फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल के बारे में कहते तो फोर खलीफा कैलिफ्स, तो उसमें हसरत अबू बकर, हसरत उमर, हसरत उस्मान, हसरत अली, चार लोग, अगर उनमें से भी किसी और से इस जगह का कोई कनेक्शन हुआ होता आई से दोस्त भी। उसके बाद जो अवलिया की राम है जैसे अजमेर शरीफ का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या निज़ामुद्दीन अवलिया, अगर इसमें से भी किसी से भी कोई ताल्लुक हुआ होता आई टू स्टूड हैव विद देम। तो मुसलमानों के लिए सिर्फ एक बाबर है, एक किंग है, उन्होंने एक मस्जिद बनाया था, तो इसलिए मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए करके मैंने उसी लेटर में लिखा था ये सारी चीज़ें। तो एकदम भड़क गए लोग जो JNU के हिस्टोरियन हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था इन सब चीज़ों के लिए, ये तर्क के लिए कोई जवाब नहीं था जो हम लोगों ने उतार पूछा, क्योंकि उसमें से उस टाइम में जैसे रोगला तापर शी इज़ नॉट एन आर्कियोलॉजिस्ट, शी इज़ ए हिस्टोरियन, वेरी गुड हिस्टोरियन, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था। इरफान अबीब ही इज़ नॉट एन आर्कियोलॉजिस्ट, आर शर्मा जी ही इज़ नॉट एन आर्कियोलॉजिस्ट, ये सब जो हिस्टोरियंस हैं। तो आर्कियोलॉजी में क्या क्या निकलेंगे, क्या क्या आप निकाल सकते हैं, आप कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, ये ही इन लोगों को पता नहीं था, बट दे हैड वेरी गुड कनेक्शन। तो ये सब चीज़ें जब मैंने अखबार में लिखा तो दे हैड नो आंसर, लेकिन उनको ये पता था कि दिस पर्सन हु हैज़ रिटन ही इज़ ए गवर्नमेंट ऑफिसर। अब जो ना हम जो ना गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना सकते हैं कि हाउ विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही हैज़ गिवन सच ए प्रेस स्टेटमेंट इन द प्रेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, उन्होंने वो भरपूर यूज़ किया। तो उसी टाइम में जो हमारे RC त्रिपाठी करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी थे वो ही हैड कम टू तमिलनाडु, क्योंकि उस टाइम में मैं चेन्नई में था, तो एक मीटिंग के लिए आया था, मीटिंग भरपूर अच्छा बहुत अच्छा हुआ।
उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा आपने कैसे ये स्टेटमेंट दिया, ये सारी चीज़ें जो आपने बताया वो हम सबको पता है, लेकिन आपने कैसे ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि यू आर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यू शुड हैव टेकन द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सच ए सेंसिटिव इश्यू यू शुड नॉट हैव गिवन ए स्टेटमेंट. आई एम गोइंग टू सस्पेंड यू राइट नाउ, अभी इसी वक्त मैं तुम्हें सस्पेंड करूँगा, ये उनका कहना था. तो मैंने उनसे कहा सर ये बात जो कुछ मैंने कहा वो सही है, और फिर मैंने अपनी कोई भलाई के लिए नहीं किया, मैं एक दुनिया की भलाई के लिए क्या. फिर मैंने थोड़ा सा कोट किया, लोग संग्रह में वापी संवश्यन कर तुम रहसी, मैं जो कुछ किया है वो दुनिया की एक चीज भलाई के लिए किया, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं. तो और भड़क गए, उन्होंने कहा मैं इलाहाबाद का ब्राह्मण हूँ, क्योंकि आरसी त्रिपाठी साहब थे, मैं इलाहाबाद का ब्राह्मण हूँ, तुम मुझे संस्कृत सिखा रहे हो, मैं तुम्हें इसी वक्त इसी मोमेंट में तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा. तो मैंने एक दूसरा संस्कृत में एक और कोटेशन की दिया, मैंने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्वधर्मे निधनम श्रेय, क्योंकि अपनी चीज जो बताना है फॉर दैट इवन डेथ इज ऑल्सो वेलकम. जब मैंने जब ये कहा तो ही सेड वेल मिस्टर मोहम्मद यू हैव डन द राइट थिंग, दिस शुड हैव बीन ब्रोकन बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट, यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट एंड दिस शुड हैव बीन स्पोकन बाय ए मुस्लिम एंड यू आर ए मुस्लिम. आई रियली अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट योर करेज. लेकिन दर एक राइडर बताया उन्होंने, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर है क्योंकि ये सारे कम्युनिस्ट स्टूडेंट, ये सारे ग्रुप प्रसाद दलवादी थे, चंद्रशेखर जी के गवर्नमेंट था, उसके बाद नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट आया, वो बीजेपी के गवर्नमेंट था, मुझे पता भी नहीं था बीजेपी कभी इसमें इसमें आएंगे पावर में आएंगे, हम लोगों को किसी को पता ही नहीं था उस जमाने में, दिस इज दर ऑफ 1990. लेकिन मेरे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है तुम्हें, तुम्हारे ऊपर एक्शन लेने का, तुम्हें सस्पेंड करने का. तो मैंने कहा सर आप सस्पेंड कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तब एक आई महादेवन करके एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर थे, जो टॉप सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर रहते हैं, ही वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो, वो इंद्रवन किया, उन्होंने जाके उनका जूनियर था त्रिपाठी साहब, उनसे जाकर कहा कि आप एक्शन तो जरूर लीजिए, लेकिन जो इस तरह की इतना ज़्यादा जोरदार एक्शन मत लीजिए. तो उन्होंने बाद में ये कहा मैं इनको सस्पेंड नहीं करूँगा, मैं इनको इधर से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करूँगा. तो मुझे उसी वजह से मैं मद्रास में था, मद्रास से मुझे गोवा ट्रांसफ़र किया, बस इतना ही हुआ और कोई ज़्यादा नहीं हुआ. तो उन्होंने ये आई महादेवन ने एक स्टेटमेंट उसी इंडियन एक्सप्रेस में कहा, कुछ हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर था, अब कुछ लोग कह रहे हैं मंदिर नहीं था, सो व्हाई कांट वी डू अ थर्ड एक्सकवेशन. वो थर्ड एक्सकवेशन फिर बाद में हुआ, दैट एक्सकवेशन वाज अंडर डॉक्टर बी आर मणि. डॉक्टर बी आर मणि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो हमारे जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, और देन ही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल म्यूजियम भी. उन्हीं के अंडर में हुआ था सेकंड एक्सकवेशन, उस एक्सकवेशन में मैं नहीं था, और आई डोंट नो whether SS गुप्ता जी वाज देयर और नॉट. गुप्ता जी इज हियर और नॉट? यू आर नॉट. अच्छा अच्छा अच्छा. तो शुक्ला जी गए थे शायद यहाँ से, शुक्ला यू हैड गॉन. अच्छा अच्छा अच्छा. शुक्ला जी थे हमारा, वो ही हैड गॉन फ्रॉम हियर. तो वो एक्सकवेशन डॉक्टर बी आर मणि साहब के अंडर में हुआ, तो उन लोगों ने कहा था कि ये मंदिर का कोई अवशेष मस्जिद के नीचे नहीं है, और एक्सकवेशन दोबारा एक्सकवेशन शुरू किया. तो हम लोगों ने जब ओरिजिनली जब एक्सकवेशन किया था उसमें 12 पिलर्स थे, 12 पिलर्स थे जो मंदिर का पिलर था, अब फिर जो ना उसका बेसिस भी मिलना शुरू हो गया था. तो उसी टाइम में इन लोगों ने कहा नहीं कोई अवशेष नहीं है, और ये मस्जिद जो उन्होंने उनका कहना ये भी था मस्जिद जो बनाया है वो विरजिन जमीन पे बनाया है,
गर्जन कौरा जमीन पर बनाया, जिसका मतलब यह है मंदिर छोड़ दीजिए और भी कोई चीज वहां पहले नहीं थे, ऐसी जमीन पे ये मस्जिद बनाया है। तो कोई आपका जो जो कुछ आप कह रहे हैं उसमें कोई आर्ग्यूमेंट, कोई रीजनेबल आर्ग्यूमेंट नहीं। तो दोबारा जब एक्सकवेशन प्रोफेसर बीआर डॉक्टर बीआर मणि के अंडर में किया, आई थिंक वन आवर एक्स सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ भोपाल जो अभी जिनका ट्रांसफर हुआ है मिस्टर विक्रम, वो ही वाज इन दैट एक्सकवेशन। तो उन्होंने काफी ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो इन दैट एक्सकवेशन। तो ये सब लोगों ने एक्सकवेशन किया, तो हमें पहले जो एक्सकवेशन था उस एक्सकवेशन में 12 पिल्लर थे, अब जो है 50 से ज्यादा पिल्लर के बेसिस मिलना शुरू हो गया, जिसका मतलब ये है इट वॉज नॉट ए स्मॉल टेम्पल, इट वॉज ए ह्यूज टेम्पल। 50 से ज्यादा पिल्लर्स मिलना शुरू हो गया, दैट वॉज नंबर वन। उसके बाद जो भी मंदिर होगा वो मंदिर के ऊपर का पोर्शन है कलश, कलश के नीचे अमलका कहते हैं, जो अमलक कहते हैं अमलका भी कहते हैं अमलका भी कहते हैं, वो अमलका इस खुदाई में इस एक्सकवेशन में मस्जिद के नीचे से मिला। इसका मतलब ये है ये कोई रिहायशी एरिया नहीं था, कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं था, ये मंदिर वाला ही जगह था, कोई बाजार एरिया भी नहीं था, क्योंकि मंदिर का अगर कलश अगर आपको मिलना है तो वो सिर्फ मंदिर वाला ही जगह से ही मिलेंगे, तो वो कलश ये मंदिर का जो अमलका मिला। उसके बाद कई सारे एरिया आर्किटेक्चरल मेंबर्स जो मंदिर का शिगरा पोर्शन है, वो शिगरा पोर्शन के कई चीजें कई आर्किटेक्चरल मेंबर्स वहां से एक्सकवेशन में निकल आए। तो इसका अगेन मतलब ये है कि ये कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, इट वॉज ए मंदिर एरिया। उसके बाद फिर नीचे के जो पोर्शन प्रणाला मिला, व्हाट इज अ प्रणाला, मंदिर में डेली हम लोगों को भगवान को, अगर शिव है शिव जी का, विष्णु है विष्णु जी का, हम लोगों को बेथिंग करना पड़ेगा, दैट वॉज ए सेरेमोनियल बेथिंग। और उसके बाद उसका जो पानी वो निकलने के लिए जिस प्रणाला ऑफ द टेम्पल वो ऑलवेज बी टुवर्ड्स द नॉर्थर्न साइड, कोई भी मंदिर में आप जाइएगा वो हमेशा नॉर्थर्न साइड में होगा, क्योंकि आपका भोजपुर मंदिर में भी बिल्कुल नॉर्थर्न साइड में वो क्यों है, जिसको कहते हैं उत्तरवाहिनी। उत्तरवाहिनी मीन वेयर द रिवर इज टेकिंग ए टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, दैट वुड बी वन ऑफ द हॉलीएस्ट प्लेसेस फॉर हिंदूज, फॉर एग्जाम्पल गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, प्रयाग, ये सारी जगह, उसके नीचे भी गंगा जी का आप देख लीजिएगा, जो बिल्कुल एकदम भागलपुर, भागलपुर में बिहार के भी एकदम नीचे है, भागलपुर एरिया में भी जो ना वही इस तरह की वेयरएवर द रिवर इज टेकिंग ए टर्न, इट वुड बी ए होली प्लेस फॉर हिंदू बिलीवर्स। तो ये सारी ना तो दिस प्रणाला मिला। अच्छा, वो प्रणाला भी बिल्कुल मकर प्रणाला, व्हाट इज ए मकर, मगर प्रणाला, मगर मीन्स क्रोकोडाइल, मगर प्रणाला मिला। तो व्हाट इज द आई मीन दिस वन, जब मगर क्यों है, मगर इज ए सिंबल ऑफ रिवर गंगा, क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया का कुछ और जो ना अगर जाएंगे वहां का या छत्तीसगढ़ का मंदिर में जाएंगे, मंदिर के जो गर्भगृह के जस्ट आउटसाइड ऑन द राइट साइड देयर वुड बी ए लेडी स्टैंडिंग विद अ पॉट ऑफ वाटर एंड स्टैंडिंग शी वुड बी स्टैंडिंग ऑन ए मकर, क्रोकोडाइल में मिलेंगे रहेंगे, एंड ऑन द लेफ्ट साइड देयर वुड बी ए लेडी स्टैंडिंग ऑन टॉर्टोइस। तो इसका मतलब ये मगर मींस दैट इज गंगा एंड टॉर्टोइस मींस दैट इज यमुना एंड देन अंडरग्राउंड सरस्वती, सो यू आर हैविंग ए सेरेमोनियल बाथ इन गंगा यमुना अंडरग्राउंड सरस्वती, यू आर बीइंग वॉश्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ योर सिंस एंड देन यू आर गोइंग टुवर्ड्स लॉर्ड। तो वही है जो हमारा कंसर्न। तो वो मगर प्रणाला मिला, क्या आप समझते हैं इस तरह की मगर प्रणाला एक मस्जिद से मिल सकते हैं? डिपिक्शन ऑफ एनीथिंग इंक्लूडिंग पेंटिंग वो इस्लाम में जो है लिविंग बीइंग का इस्लाम में हराम, तो वो मगर प्रणाला भी मिला। देन मोर देन 263 छोटी छोटी प्रतिमाएं वो मिलना शुरू हो गया। अगर मस्जिद एरिया होता
तो आपको इस तरह की लिविंग बीइंग का कोई भी प्रतिमाएं नहीं मिलेंगी। उसमें मत्स्य पूर्व कूर्म का भी है, उसमें सांप का भी है। तो जब सांप का जब मिला तो लोगों ने पूछा ये किस चीज का है, तो सांप ऑफ कोर्स दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा है। तो लोगों ने कहा कि फिर आप कैसे कहेंगे ये विष्णु मंदिर है, ये शिव का मंदिर नहीं है। तो उनको जवाब दिया, शिवाय विष्णु रूपाय शिवाय विष्णु नामाय शिव नामाय विष्णुवे शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुस्य हृदयं शिव। तो ये शिव बिल्कुल, ये जो ना चीजें जो ना आप कहेंगे वो शिव है ये विष्णु है, ये सब जो ना कोई चीज नहीं है, ये सब जो ना एक ही चीज है। अगर शिव के हाथ हृदय में देखेंगे आपको जो ना विष्णु मिलेंगे, विष्णु के हृदय में देखेंगे शिव मिलेंगे। तो इन लोगों का बिल्कुल एकदम बोलती बंद होगी। तो अगर जो ना फिर जो ना कूर्म का, कूर्म मीन्स जो बिल्कुल एकदम जो भी सुअर कहिए कुछ और कहिए, तो ये इस्लामिक एरिया में कभी कोई सोच ही नहीं सकता इस्लामिक एरिया में मिलेंगे। तो वो मिल गया, इस तरह की 263 पीसेस मिल गया। तो इसका मतलब है इट वॉज फुल्ली ए टेम्पल एरिया एंड देन देर वॉज एन इंस्क्रिप्शन। तो वो इंस्क्रिप्शन का नाम है विष्णु हरि शिला फलक। जो विष्णु हरि शिला फलक 20 वर्सेस का है और उसमें बिल्कुल बहुत ही क्लियरली ये कहा है कि दिस टेम्पल इज डिवोटेड टू डेडिकेटेड टू दैट विष्णु हु हैज किल्ड बाली। सो हु हैज किल्ड बाली, राम जी। एंड हु हैज किल्ड 10 हेडेड पर्सन, हु इज दैट 10 हेडेड पर्सन, अगेन राम जी। तो इस तरह जो ना इट इज वेरी क्लियरली इट वॉज सब्सटैंशिएटेड दैट देयर वॉज ए टेम्पल देयर। तो इन सारी चीज़ों को फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये सारी चीज़ें रखे, देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर मणि एंड डॉक्टर विक्रम भुवन विक्रम ही वॉज हियर आई मीन सिंस लास्ट वन मंथ बैक आई मीन ही वॉज ट्रांसफर्ड। इन सारे लोगों ने इस डिसीजन में पहुँचा जो लाल साहब ने पहले पहुँचा था कि देर वॉज ए ह्यूज टेम्पल देयर। अब नाउ इट इज लेफ्ट फॉर द कोर्ट वाट काइंड ऑफ डिसीजन दे शुड टेक। ऑब्वियसली उनको जो ना और कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। फिर हिस्टोरिकल एविडेंसेस, दिस इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर हिस्टोरिकल एविडेंसेस। हिस्टोरिकल एविडेंसेस में जो आइने अकबरी, आइने अकबरी लिखा है अकबर के ज़माने में 1602 में लिखा है और उसी टाइम में अकबर का जो अबुल फजल ने ये किताब लिखा है उसमें उन्होंने वहाँ के अयोध्या के बारे में, अयोध्या का चैत्र के महीने में बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ वर्शिप करते हैं, इसके बारे में उन्होंने तफसील से लिखा है, लेकिन वहाँ का नमाज के बारे में लिखा नहीं है। ये सोचने वाली बात है, सोचने वाली। चैत्र के मास में इतने ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और वर्शिप करते हैं, इसके बारे में आईने अकबरी में लिखा है और इसके बाद ये मुसलमानों की जो वर्शिप के बारे में, रिलीजियस वर्शिप के बारे में उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया। उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर और जहांगीर के पीरियड में विलियम फिंच करके एक अंग्रेज आए, वो विलियम फिंच ने फिर अगेन ही हैज गिवन ए वेरी डिस्क्रिप्टिव रेफरेंसेस अबाउट द प्लेस, कहाँ कहाँ से लोग जो है दुनिया के कई जगह से लोग वर्शिप राम जी के वर्शिप करने के लिए आते, तो करने के बाद जो ना फिर वही इकट्ठा हो जाते और उसके बाद जो ना वो नहा के लोग चले जाते हैं। अगेन मुस्लिम के इस्लामिक वर्शिप के बारे में उसमें उन्होंने विलियम फिंच ने नहीं लिखा। विलियम फिंच जो ना कोई बीएचपी का आदमी नहीं था, तो ये हमें समझना चाहिए। और उसके बाद टेफन टेलर करके एक बहुत बड़ा जो ना जेज्यूट पादरी आ गए थे, तो उन्होंने इसी के बारे में लिखा, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम ही उन्होंने ये कहा ये शायद बाबर ने डिस्ट्रॉय किया या औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय किया, कौन है वो बता नहीं पाए। तो ही है सोर्स की मैंने डिस्कवर। इसी तरीके से हमारे पास जो ना 20 ऐसी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है जिसमें ये कहते हैं कि वहाँ जो वर्शिप लगातार चले आया है। तो मैं उसी टाइम फिर मुसलमानों के लिए से कहा ये एक मौका है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारी गलतियाँ हुआ है, वो पूरी दुनिया के हिस्ट्री में हुआ है, तो
तो उन सारी चीज़ों को हम लोग जो ना बिल्कुल अब ठीक ठाक नहीं कर सकते, लेकिन जो सिम्बॉलिक चीज़ें हैं तो उसमें कम से कम जो ना जो राम जी का जो मंदिर है उसमें कम से कम मुसलमान जो ना बिल्कुल हैंड ओवर कर सकता था। बहुत सारे मुसलमान तैयार भी हो गए थे, क्योंकि मैं कई जगह पे कई लोगों से इकट्ठे में बात किया था, कई लोग तैयार भी हो गए थे, लेकिन उन सारी जगह पे उन सारी ओकेशन में मुसलमानों को पीछे से खींचने वाले ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन इरफान हबीब, जो अलीगढ़ का हिस्टोरियन है इरफान हबीब, इस तरह की एक पूरा ग्रुप था, तो उन्हीं की वजह से ये मामला बिगड़ गया। मामला बिगड़ने की वजह से हम लोगों को बहुत बड़ा देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो वो क्या क्या एविडेंसेस थे वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूं। रुझान है आर्कियोलॉजिस्ट, सारी चीजें जो एक रिलीजियस आदमी जो कहेंगे वो सारी चीजें एक आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है। अगर आप ये कहे राम जी 1,00,000 साल पहले का है तो एक आर्कियोलॉजिस्ट नहीं मानेंगे। अगर आप ये कहे हमारे पास उस जमाने में पुष्पक विमान था, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे। अगर आप ये कहेंगे हमें सर्जरी आता था, ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र था, हमारे पास नारायण अस्त्र था, ये सब चीज़ें जो ना आर्कियोलॉजी विश्वास नहीं करेगी। आर्कियोलॉजी जो कुछ हमारे पास है वो एविडेंस ही मानेगी, बाकी सारी चीज़ें जो ना आप बाकी लोगों के पास रिलीजियस साथ लोगों के पास चले जाइए वो विश्वास करेंगे, लेकिन एक आर्कियोलॉजिस्ट विश्वास नहीं करेंगे। तो ये जितने भी जो एरिया है जो हम लोग जो करते हैं, ये रामायण अध्याय या महाभारत का जो पीरियड है, इट इज ऑलमोस्ट 1,500 years BC में है। ये उसके बहुत साल पहले जा नहीं सकते, आप खींच के ले जाएंगे तो 500 साल और ज़्यादा 2000 BC तक जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पीछे जा नहीं सकते हैं। जो ह्यूमन एवोल्यूशन, वो ह्यूमन एवोल्यूशन जो है सिर्फ इंडिया की नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया भी उसी में है, हम लोग कोई अलग वर्ग नहीं है। ये नहीं कि हमारे पास जो ना कोई और चीज़ें थे, हम लोग उतना बड़े थे इतना बड़े थे, ये सब जो है ना आर्कियोलॉजी विश्वास नहीं करें। तो ये सब एरिया गंगा यमुना सरस्वती ये इसी एरिया में हुआ करता था, तो उसको कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं ब्रह्मा वर्ता कहते थे कभी, इसको ब्रह्म देश भी कहते थे, इसको मध्य देश भी कहते थे, इसको आर्यवर्त भी कहते थे। तो दीज आर ऑल ये तम देव निर्मिदम देशम ब्रह्मवर्तम प्रजक्षत। तो कंसेप्ट ये था, दिस वॉज क्रिएटेड बाई गॉड, तम देव निर्मिदम देशम ब्रह्मवर्तम प्रजक्षत। ये यमश्य नाम मीमादा विष्णु यस्याम चक्र में इंद्रियों चक्रात्मने न मित्राक्षी। सो दिस वॉज अ लैंड क्रिएटेड बाई सो मेनी गॉड्स एंड गॉडेस। तो हम ये नहीं कहेंगे वो गॉड्स एंड गॉडेसेस बनाया, बट इट वॉज देयर। तो उसी एरिया को ऑक्यूपाई किया था, तो महाभारत का भी उस एरिया इट कम्स इन दैट एरिया, और उसी तरीके से बाकी जो रामायण का भी एरिया लगभग वही है। ये वो टीम है जो हमारा जो एक्सकेवेशन टीम है, इसमें प्रोफेसर बीबी लाल साहब यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, प्रोफेसर बीबी लाल साहब वहाँ है, ये जो उनकी वाइफ है उनकी बगल में एक लेडी है, वो जयराम रमेश जी जो एक्स मिनिस्टर थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, उनकी वाइफ है। तो हम लोग जरा बाकी सब सारे लोग ये हैं, ये पूरा एक्सकवेशन टीम था, फर्स्ट एक्सकवेशन का। ये हम लोग होली खेल रहे हैं, वही अयोध्या में ही होली खेल रहे हैं, उसकी फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ वगैरह जब इन लोगों ने करना शुरू किया
हम लोग एक्सकेवेशन में नहीं था तब मुझे इकट्ठा करना पड़ा, वरना पहले हमारे पास ये क्योंकि वो 1976-77 का जमाना था। जजमेंट आने के एक महीना पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा लेटर लिखा, जो आपसे जो अभी बात जो किया है ये सारी पॉइंट जो ना उस आर्टिकल में बहुत तफसील से डिस्क्राइब किया। और ऑब्वियसली टाइम्स ऑफ इंडिया में जाने की वजह से ये सारी पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाते, उन लोगों ने अपने सारे एडिशन में इन लोगों ने वो पब्लिश किया। एक्सेप्ट केरला, एक्सेप्ट केरला जहाँ मैं रहता हूँ, एक्सेप्ट केरला, वहाँ सारी जगह पर उन लोगों ने वो पब्लिश किया। एंड नेचुरली दैट गोज़ टू द ग्रेट जजेस आल्सो। तो ये सारी पॉइंट क्या क्या है अभी जो आपसे बात किया है, ये सारी बताया था और ये बिफोर द जजमेंट के एक महीना पहले की था। तो इमीडिएटली जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन वो घबरा गया, क्योंकि इतनी जो बिल्कुल क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है ये सब सारी जगह पे पहुंच गया। अच्छा, उनका कहना एक और था कि ये मंदिर के नीचे जो मिला था, मस्जिद के नीचे जो मिला था वो मंदिर नहीं है, वो बल्कि पुरानी मस्जिद की पूरा दीवार था, ये उनका कहना था, ये कम्युनिस्ट स्टोरी था। तो मैंने उसके लिए भी इसमें जवाब दे दिया था कि इस एक्सकेवेशन में जो टीम है मैं नहीं था, लेकिन जो चार इम्पोर्टेंट जो एक्सकेवेटर्स थे वो चार इम्पोर्टेंट एक्सकेवेटर्स मुस्लिम्स थे, तो उनका नाम भी दे दिया। एक था गुलाम हुसैन काजा, वो एज डायरेक्टर ऑफ एपिग्राफी वो रिटायर हुआ है नागपुर से। नंबर टू, क्योंकि ये चीज़ें उनको पता नहीं था, ये कम्युनिस्ट स्टोरी को पता नहीं था, उस नंबर का। सेकंड वाज अतीकुर रहमान सिद्दीकी, ही रिटायर्ड फ्रॉम आगरा, आगरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सेंटर ऑफ दिस सर्वे ऑफ इंडिया। थर्ड वन जो हाशमी है वो भोपाल सर्कल से रिटायर हुआ है। एंड फोर्थ वन दैट ही वॉज ऑल्सो इन भोपाल, मिस्टर अली है, डॉक्टर अली है, ही वॉज ऑल्सो इन भोपाल 4 साल पहले और नाउ ही इज इन पंजाब सर्कल। तो मैंने कहा कि अगर कोई मस्जिद का पोर्शन मिला होता दीज पीपल वुड हैव नोटिस दैट वन आल्सो एंड दे वुड हैव पॉइंटेड आउट आल्सो। तो फिर तो इनको इनके पास कोई सवाल नहीं था, इनको पता नहीं था इसमें से वो है। फिर मुसलमान इतने लोग हैं, और मैंने कहा सिर्फ मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, दे आर ऑल्सो द को ऑथर्स ऑफ द रिपोर्ट विच वॉज सबमिटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तब सारी इनकी बहुत ही बंद होगी, क्योंकि पहले ये कहते थे कि उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, और उसके पहले ये भी कहा था कि ये गौरा जमीन पे है, इसके नीचे और कुछ नहीं। जब मंदिर का अवशेष मिला वो कहा कि ये मंदिर के अवशेष नहीं, ये मस्जिद के अवशेष है। उसके लिए फिर हमने जवाब दे दिया नहीं, ये चार जो ना मुस्लिम इंपॉर्टेंट लोग थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये ब्रिटिश रिमेन्स है। तो उसमें कहा कि वन ऑफ द डायरेक्टर्स जो डॉक्टर हरी माझी है ही वॉज ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट। तो फिर जो ये फंस गया, क्योंकि इसके पास कोई और जवाब नहीं था। एंड ऑल दोस थिंग्स यू नो दैट वी आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इमीडिएटली लोगों ने फिर जो ना ये कहना शुरू किया के मोहम्मद वॉज नॉट देयर इन दैट एक्सकेवेशन एट ऑल। जो लाल साहब ने एक्सकेवेशन किया उसमें के मोहम्मद वॉज नॉट देयर इन द एक्सकेवेशन, और उन्होंने वो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश भी किया। नेक्स्ट ये है के मोहम्मद वॉज नेवर पार्ट ऑफ पी वी लाल साहब द एक्सकेवेशन। कितनी बड़ी झूठ, इतनी बड़ी झूठ, क्योंकि मेरे पास भी वो फोटोग्राफ नहीं था, लेकिन वो फोटोग्राफ बाद में मैंने इकट्ठा किया। तो उन्होंने ये शुरू किया ताकि जना फिर जना सारी जो हमारे जो आर्ग्यूमेंट है वो सब जना खत्म हो जाएगा। फिर उसके लिए फिर जना आई कॉन्टेक्टेड प्रोफेसर बीपी लाल, वो इंडिया में नहीं थी, अमेरिका में, एंड ही इज 97 ईयर्स ओल्ड, उनको कॉन्टेक्ट किया, देन ही गेव ए स्टेटमेंट फ्रॉम देयर। सो टाइम्स ऑफ इंडिया वो भी पब्लिश किया। नेक्स्ट के मोहम्मद वॉज विद मी ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ तो इतनी बड़ी मतलब बाद में बनाई सारी कहानी जो नहीं, दे आर प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी। वो तो सर इरफान अभी इन्होंने कहा के मोहम्मद को कोई एसोसिएशन नहीं था, देन ही इज ए प्रोफेसर ऑफ एमेरिटस इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब भी इसी मोहम्मद वही लोग ये सारे झूठ बोल रहे हैं।
तो हम लोगों ने इफेक्टिवली हम लोगों ने रिप्लाई दिया, बिकॉज ये सारी चीजें हमको पता था कि जो ये जजेस के पास भी जा रहे, तो जजेस के सामने भी वो लोग एक्सपोज हो गया। नेक्स्ट, अब ये जो बाबरी मस्जिद था ये वही है, हम लोगों ने इसके पीछे सोशन किया था जो 76-77। अच्छा, वो जो मैंने कहा था जो पूर्ण कलश है, जो पिल्लर का, ये पिल्लर भी देखने से व्यास साहब जी, गुप्ता साहब जी, क्या जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे वो इमीडिएटली कहेंगे ये मंदिर का, अगर आपको जो है देखना चाहे आप वहां जाके देख लीजिए, कुतुब मीनार के बगल में है कुबतुल इस्लाम मस्जिद। ये है पूर्ण कलश, ये एक कलश है, उसमें से जो ना फोर लीटर्स दे आर कमिंग आउट, ये नॉटिंगहम का स्टाइल। आप कुतुब मीनार के उधर जाएंगे तो आपको बिल्कुल इसी तरीके ये वाला, ये कुतुब मीनार, ये इस तरह की जो पूर्ण कलश मिलेगी। आज भी अगर आप एक हिंदू सिंह सेवन को अगर रिसीव करना है, हार से नहीं करेंगे, माला से नहीं करेंगे, आप जो है ये नहीं करेंगे, विद पूर्ण कलश ओनली यू विल रिसीव। इसी तरीके का है ये, अयोध्या का नहीं है ये, सब जन कुतुब मीनार की जो कुतुब सलाम की पिलाना। और ये सारे जितने भी पिलर्स वो सब टेबल पिलर्स, एंड देयर इज एन इंस्क्रिप्शन, अरबिक इंस्क्रिप्शन उन्होंने कहा है, एंड एक किताब में भी उसके रेफरेंसेस है। इस तरह की देवी देवता है। नेक्स्ट, कुछ टूटे हुए हैं, नेक्स्ट कुछ आई मीन फ्लाइंग फिगर्स है, ये कोई भी चीज मस्जिद में नहीं देखे। नेक्स्ट, एनिमल्स ये आप मस्जिद में नहीं मिलेंगे। ये कहाँ मिले सर? नहीं, ये सब बहुत इस्लाम मस्जिद की है, ये सब सारी ये तो इसका नहीं है, आइडिया का नहीं है। इस तरह की चीजें थी वहाँ। नेक्स्ट, ये गणेश जी पीछे वाला, गणेश जी ऑन द लेफ्ट साइड, एकदंतम चतुर्बाहु गजवक्त्रम महोदरम सिद्धि बुद्धि समायुक्तम मोशी गारुड में वचन, तो ये सब जना। नेक्स्ट, लेडी फिगर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये आगे करें। नेक्स्ट, 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 तो इस तरह की प्रॉब्लम आर्कियोलॉजी में हम लोग जो कई जगहों पे फेस करते हैं। तो कभी जनाब मस्जिद वालों से लड़ाई होगा, कभी मंदिर वालों से लड़ाई होगा, कभी गिरजाघर वालों से लड़ाई होगा, ये कि मुस्लिम ग्रुप से लड़ाई चल रहे हैं, ये दिल्ली दिल्ली की बात है, और हमारा गुप्ता जी है ना यहाँ से जो ना कुछ मुस्लिम से भी कुछ हिंदू से भी उनको लड़ाई करना पड़ा, व्यास साहब को भी इसी तरीके से कई मौका आए, लेकिन हम लोग कहते हैं हम ना हिंदू है, हम ना मुसलमान है, हम तो हिंदुस्तानी है। फिर तो पुलिस की मदद लेना पड़ा कभी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो अभी फिर जो है दिल्ली में पुलिस को रखे, क्योंकि पुलिस को करना पड़ा, उसमें चिदंबरम जी ने उस जमाने में बहुत सहयोग किया, जिनकी वजह से पूरा चार मस्जिद, क्योंकि हमारा रूल्स ये है एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओवर ए मॉन्यूमेंट अगर मस्जिद नमाज है या पूजा है तो उतना ही अलाउ करेंगे, उसके आगे अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो ना अतिक्रमण करके हनुमान पढ़ना चाह रहा था, लेकिन कुछ दिन तक जो ना गवर्नमेंट ने हम लोगों के ऊपर छोड़ा, लेकिन बाद में लगा चला कि नहीं ये रुकेगा नहीं, फिर जो ना हम लोगों को पुलिस को लगा के बंद करवाना पड़ा, अभी तक जो ना उसी तरीके से चल रहा है। ये है डॉक्टर बिहार, और बहुत ही एक्सपीरियंस आर्कियोलॉजिस्ट है, जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रहा, के बाद नेशनल म्यूजियम का डायरेक्टर रहा, बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत सुलझे हुए आदमी है। इन्हीं के एक्सकवेशन था सेकंड एक्सकवेशन। तो हम लोगों को जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को ये जो पिलर बेसिस है वो है ये जो देख रहे, उसी तरीके के जो पिलर है इसी तरीके के बेस के ऊपर खड़े थे, तो हम लोगों को उस टाइम में 12 मिला था, अब जो 50 से ज्यादा एक्सकवेशन, तो मीनिंग बहुत बड़ा था। कौन सी अयोध्या सेट? ये अयोध्या सेट का। फिर जो है नैंदी इसी तरीके से प्रदेश इसी तरीके से एक्सकेवेशन में खोदा,
और उन सारी जगह पे इसी तरीके से जब पिलर बेसिस मिलना शुरू हो गए, उसी तरीके से पिलर बेसिस ये एक उसका एक ग्राफिकल पैन है, ये क्या क्या है, क्या क्या चीजें मिला है कई जगह पे। ये एक जो ना सर्कुलर टेम्पल भी मिला, वो सर्कुलर टेम्पल अक्सर जो ना ये रहता है कि जो ना ये शिव की जो ना शिवलिंग रहता है उसके अंदर, तो इस तरह की सर्कुलर टेम्पल भी मिला था गोइंग बैक टू 10th century AD। नेक्स्ट, तो वो जो मूर्तियाँ छोटी छोटी जो मूर्तियाँ मिलने लगे वो इसी तरीके से और मस्जिद होगा तो इस तरह की मूर्ति लेडीज की मूर्ति कभी भी नहीं मिलेगी। ये एक दूसरी मूर्ति उसी तरीके से लेडी की मूर्ति। नेक्स्ट, ये एक आदमी का पैर है, तो इसी तरीके के 263 दो तीन या सौ नहीं 263 पीसेस। नेक्स्ट, और ये एक जो आदमी का ऊपर का पोर्शन। यस, ये एक ड्रमर है, लेडी ड्रमर है, ड्रम उनके हाथ में है, लेडी ड्रमर है। नेक्स्ट, ये एक घोड़ा है, आप जो भी एनिमल है एनिमल कहते हैं, लेकिन घोड़ा है या क्या है वो आप बताइएगा। नेक्स्ट, ये एक कुत्ता है, डॉग, और मुस्लिम्स जो ना कुत्ता और सुअर से बहुत दूर रहते हैं, तो कहीं सवाल ही नहीं, ये दूसरा उसी तरीके का कुत्ता, इस तरह के कुत्ते के काफी मिला। ये सांप का है, जो मैंने कहा था कि इसका जो लॉर्ड शिवा से हमेशा ये एसोसिएटेड रहता है, क्योंकि शिव के बारे में तो शिव के जना जड़ा मुकुट होगा, चर्म वस्त्र होगा, जड़ी गर्मी शिवंडी तो सर्वांग सर्व पावन हरिश्च हरिनाच सर्व हर प्रभु, इट इज अल्टीमेटली ही हु डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। ये मंदिर का जो जो अमल का जो काम है, जो वो अमल का वाला पोर्शन है। ये अमल का जो मंदिर के जो ना एकदम टॉप पोर्शन में मिलेंगे आप, वहां जो मिलेंगे इसी तरीके का अमल का। नेक्स्ट, और इधर भी आप देख सकते हैं अमल का कलराहो का मंदिर का है। और ये जो पूर्ण कलश है इसी तरीके का पूर्ण कलश था, ये सेकंड एक्सकवेशन की है, ये फर्स्ट एक्सकवेशन की नहीं, सेकंड एक्सकवेशन में इस तरह की पूर्ण कलश मिला। पिल्लर भी मिले इसी तरीके के, पिल्लर भी एक्सकवेशन में कई पिल्लर भी मिले। और इसी तरीके से कई टेम्पल डेकोरेशन, ये सारा टेम्पल डेकोरेशन है ये मेरा। नेक्स्ट, और ये जो मैंने कहा कि वो प्रणाली जो है, ये प्रणाली है, ये मकर प्रणाली है, ये इसी से ये एक्सकर्शन में मिल रहा है, इसके नीचे से निकाल रहे हैं वो, ये किस तरह रहा होगा, ये आपका भोजपुर का मंदिर का है, बिल्कुल इसी तरीके का मकर प्रणाली है, तो ये मंदिर के अलावा कहीं और मिल नहीं सकता। ये दूसरा साउथ का मंदिर का है, ये भी आप जो बिल्कुल उसी तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये और भी वही साउथ का मंदिर, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, हमेशा मगरब प्रणाली ये मिलेंगे, ऐसी मिलेंगे। नेक्स्ट, ये भाई चित्रा सा है, तो वो कलश जो है इसी तरीके से वो मगर में है, लेकिन जो है उसको मगर का फेस जो ना कट गया। तो ये मंदिर के नीचे वाला जो मस्जिद के नीचे वाला जो मंदिर का जो पोर्शन है उसका एक्सकर्शन, ये दीवार जितने भी थे मंदिर का उसका पोर्शन है। नेक्स्ट, और ये वो विष्णु हरि शिला फलक, जिसमें ये कहा था कि दिस इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु हु हैज किल्ड बाली एंड टेटे पुलिसन, ये वो इंस्क्रिप्शन जो ना ले जा रहे हैं। और वो इंस्क्रिप्शन है, ये दो हिस्से में थे, तो फ्रांसिस हिस्टोरियन ने कहा ये वहां का नहीं है, ये कहीं और से ला के रखा है, फिर उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया ये लखनऊ म्यूजियम में थे, फिर लोगों से लखनऊ म्यूजियम वाले से पूछा क्या ये वहां से चोरी किया गया,
तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन है त्रेता ठाकुर वाले इंस्क्रिप्शन वो हमारे पास से करके उन लोगों ने जवाब दिया, तब इनके बोल भी बंद हो गए। ये उसी टाइम में टूटा, ये शायद चलो कुछ पहले से ही है, लेकिन ये तो उसी तारीख को ही मिला। ये वो वाला इंस्क्रिप्शन है जो त्रेता ठाकुर वाला, ये अब भी वो म्यूजियम में है। नेक्स्ट। तो फिर सारे जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो ना चीज़ें इसके बारे में कई हिस्टोरिकल रेफरेंस, तो हमें इसी बेसिस पे ये आर्कियोलॉजिकल देन हिस्टोरिकल बेसिस, हिस्टोरिकल बेसिस बहुत सारे हैं, तो उसमें डिटेल में जाएंगे तो हर तमाशा में वी हैव टू गो टू सम अदर प्रोग्राम ऑल्सो, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को ये करना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कुछ गलतियाँ हो चुका है इसके बारे में, कुछ गलतियाँ हो चुका है, लेकिन उसके लिए जो ना आप रिवर्स नहीं ले सकते, रिवर्स नहीं ले सकते, एंड आज के मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा तब जिम्मेदार हो जाते इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए शुरू करते। मुसलमानों को वो भी नहीं करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिल के एक सशक्त भारत बनाने के लिए, एक यूनिफाइड इंडिया, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बनने के लिए। पंचतत्वों की रक्षा के लिए हमारे यहाँ पूरे देश में बहुत सारी बातें की गई है, जितनी भी बावड़ियाँ बनी हुई है देश में जो बहुत डिजाइन, बहुत सारे हमारे पास इसी तरीके से जो बावड़ियाँ है उसको सुरक्षा करना चाहिए। आजकल खासतौर जो ये हमारे व्यास साहब ने इसके ऊपर जो है पूरे गुजरात के जो बावड़ी है उसके ऊपर आपने बहुत काम किया, तो इसके लिए स्पॉटन के में बहुत सारे हैं, तो ये इन सब चीज़ों के लिए जो ना हम लोगों को आगे आना चाहिए, उसके लिए आपको सशक्त बनाना पड़ेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वही मैं कह रहा हूँ उसकी हालत बहुत खराब है। ये जो पत्थर ये जो स्थान मिले थे ये कसौटी पत्थर है या किस तरह के पत्थर? ये कसौटी पत्थर था, कसौटी पत्थर है। ये कौन सी बाबर का ही Did you face any kind of criticism from Muslims for gaming openly? Did you face any kind of criticism from Muslims for gaming openly? That is socialist, you know. I mean, you are living in such a country, then that is so many of you. So, what of criticism? Thomas also issued a press. इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा कि अपन उर्दू भी सीखे, हिंदी भी सीखे, संस्कृत भी, जैसे आप बोलते हैं एक संस्कृत के सिलेक्टेड आदमी को बनारस से निकाला गया, ये क्या अच्छी बात? वो गलत है, गलत है। वो हम लोग तो बिल्कुल इन सारी चीजों को, ये सिर्फ ये नहीं कि कोई अगर इसमें वो हो पूजा पाठ या कहे तो नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए था। We should condemn such things. वही मैंने कहा कि only reasonable thing को accept कीजिए, non reasonable thing को कभी भी कोई भी reason हो accept नहीं करना चाहिए, जो भी reason हो ये reasonable नहीं कि आपका message बहुत अच्छा है। Thank you so much. उतना ही करते हैं पहले इतने सारे प्रमाण मिलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का भी एप्लीकेशन लेकिन मस्जिद मंदिर गिराने के बाद मिनट आप लोग बैठे वो असल में ये एक बहुत ही पर्टिकुलर बहुत ही इसलिए वो एक आधार बना रहे हैं ये उसकी गलती है। गलती ये है कि उनको बहुत चीजें बैलेंस करके रखा, कुछ इस
इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है जी जी, वो मैं आपके सामने नहीं कहूँगा, कुछ प्रॉब्लम है उनको बहुत बैलेंसिंग, इतना बैलेंस जो ना कोई नहीं हो सकता, ईद है बैलेंस। दो मिनट रुकिए जरा, जब तक दो मिनट जरा रुकिए, दो मिनट मुझे लगता है कि समय की सीमा है, हमारा एक दूसरा कार्यक्रम भी है। दो बातें हैं, एक जिज्ञासा के रूप में है मोहम्मद साहब, एक जिज्ञासा के रूप में है, जिज्ञासा सदन से है। ये जो हमारा विषय राष्ट्रीय अस्मिता, ये के मोहम्मद साहब राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है कि नहीं? जब भी आप सत्य के कार्य में आगे बढ़ेंगे तो आपको कठिनाई आएगी, घर की आएगी, पंथ की आएगी, सरकार की आएगी, साथ के काम करने वाले लोगों की आएगी, पर सत्य के मार्ग पर चलने का परिणाम यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 43 दिन तक चलने वाली ऐसी 1,00,000 कागजों की बहस के बावजूद भी ये जो 263 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उन्होंने विजय दिलाई। आप गुरु के चरणों में भी बैठे, आपने होली भी खेली, ये सब जोड़ के रखा सामान। इसलिए हमको एकेडमिक क्षेत्र में जब भी काम करना है तो आप लाख में भारी पड़ेंगे, मुझे लगता है हम ये सिलसिला आगे जारी रखेंगे। आप सब यहाँ पधारे, आपने समय निकाला, रिटायरमेंट के बाद कुछ चीजें यहाँ तक चल के आए, हम आप सबका बहुत बहुत आभारी है। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम में आ सकते हैं।